वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदर टेक्निकल ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। ये आप इन्वर्टर कंडीशन देख रहे हो, ये एक दुकान पे लगा हुआ है और यहाँ पे किसी इन्वर्टर वाले को बुलाया था इन्होंने। इन्वर्टर वाले ने बोल दिया कि भाई ये बैटरी ख़राब हो गई है, तो इन्होंने फिर हमें फ़ोन करा तो हम आए देखने के लिए। देखते हैं जो उसने बोला है बैटरी ख़राब है या सही है, चेक करते हैं। वैसे इसकी कंडीशन आप देख सकते हो, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जो सुकैम का इन्वर्टर है इसका जो पैनल है ये एलईडी वाला, ये काफ़ी ब्लैक है। इतना ब्लैक नहीं होना चाहिए था, उस ब्लैक की वजह से जो इसके इंडिकेशन होते हैं मेंस के इन्वर्टर के चार्जिंग के, वो जल्दी नज़र नहीं आते। तो हम कोशिश करेंगे इसको अंधेरा करके चेक करने की कि भाई मेन आ रही है नहीं आ रही। ये स्विच इसका ऑफ है, फिलहाल इसको ऑन किया मैंने तो देखा ये बैटरी की विसर आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लाइट गई हुई है, लाइट गई हुई नहीं, यहाँ पे देखिए ये बिजली वाला आया होगा तो उसने ये इन्वर्टर वाले ने स्विच को बंद किया हुआ है। इसको मैंने ओपन कर दिया, ऑन कर दिया इन्वर्टर स्विच को, इसके बाद देखते हैं। कुछ इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं, मैं एक बार गेट बंद करके चेक करता हूँ, शायद इंडिकेशन कुछ नज़र आ गए हैं इसके। देखिए ये मेन स्विच ऑन ऑफ का है, ये चार्जिंग का और ये मेन का, यानी मेन लाइट आ रही है, चार्जिंग हो रहा है और इन्वर्टर ऑन है, स्विच मतलब मेन लाइन इसके अंदर आ रही है। तो जो बैटरी कंडीशन है वो आपको हमने दिखा दिया, गेट खोल देता हूँ मैं रोशनी के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ब्लैक की वजह से ये पैनल नज़र नहीं आता ठीक से, तो बैटरी जो कंडीशन आप देख सकते हो पूरा नीचे से गल चुका है। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, ये सामान हटाते हैं इसमें से और इसको खींच के देखते हैं बैटरी की कंडीशन क्या है। ये इसमें कार्बन आ रहा है, ये तो तार बिल्कुल जरा सी लगी हुई है। चलो इसको तार को हटाएंगे, हम देख रहे हो आप जरा सी लगा हुआ है, बस दो तार ही लगी हुई है। और चलो देखते हैं बैटरी का पानी, कंडीशन से बैटरी का पानी होगा नहीं, देखिए सूखी पड़ी है बैटरी। तो उसने तो मुझे लग रहा है ढक्कन खोल के भी नहीं देखे होंगे, बड़े टाइट ढक्कन हो रखे हैं। चलो जो हाथ से खुलता है वो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, बाकी तो प्लास से खोल दूंगा इनको। देखिए भी सूखी पड़ी, ऑलमोस्ट पूरी बैटरी ड्राई हो चुकी है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों पहले क्या करते हैं, एक तो ये इन्होंने पानी बोतल ये रखी हुई है, शायद उसी इन्वर्टर वाला लेके आया होगा ठीक है, और ये बाकी इनकी अपनी बोतल भी है। तो फिलहाल हम पहले ये वाली बोतल हरी वाली खाली करेंगे जो आई हुई है, और उसके बाद में इनको बोलते हैं कि भाई अपना ये पानी गर्म करके ला के दे हमें, जिससे कि कार्बन साफ हो। उससे पहले मैं इसको बाईपास कर देता हूँ, बाईपास ज़रूरी है क्योंकि जब बैटरी के कनेक्शन हट गए हैं तो इसको बाईपास कर देना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ये हमने बाईपास इनका कर दिया, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर पानी फिल करेंगे सारा ठीक है, पूरी बैटरी को फुल करेंगे और उसके बाद ये कार्बन से कार्बन साफ करेंगे। इसमें नट बोल्ट भी देखिए पूरा गल चुका है, आप देख सकते हैं नट बोल्ट पूरा ख़त्म हो चुका है इसका। तो देखते हैं बैटरी में पानी डालने के बाद देखते हैं बैटरी चलती है या नहीं चलती है, बैटरी ख़राब हो गई इनकी।
कंडीशन से लग रहा है ऐसे कि जैसे कि भाई इनका काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है ये। तो चलो पहले हम इसके अंदर पानी डालते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। पूरी बोतल तो ये खाली हो गई। अब इनका ये बैटरी का पानी आई हुई, ये कह रहे कि बैटरी का ही है, हमने इसको भर के रख दिया था। तो चलो देखते हैं, यही डाल देते हैं। एक सेल में एक बोतल के आसपास डल रही है। मैं तो कुछ ज़्यादा ही डर रही है, बैटरी का पानी देखो अगर आप डाल लिया करो, अगर नहीं डर तो क्रम से आपने मैं उस डा के दो डलो, तो कोई भी वाला पकड़ लो उसको, तो वो डाल देगा पानी, तो डालना है इसके अंदर। लेकिन आदमी अगर इतना भी ध्यान नहीं देगा, इतनी लापरवाही करेगा, तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है, बैटरी उसकी ख़राब होगी, तो वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। अभी पानी की वैसे कमी है, बोल दूंगा मैं इनको और डाल देंगे पानी, ये पर इतनी भी कमी नहीं है, मतलब चल जाएगा। जो हमें टेस्टिंग करनी है फिलहाल वो टेस्टिंग कर लेते हैं हम। अब हम इनको बोलते हैं थोड़ा सा पानी गर्म करके देंगे, जिससे कि ये कार्बन बहुत ज़्यादा इसमें आया हुआ है, आप देख सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन है। तो इनको बोल दें कि भाई ये पानी गर्म करके दो, जिससे कि बैटरी का खूंटी आराम से खुल जाए, टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो सेल टूट सकता है ये। तो पहले हम इनसे पानी गर्म करवा लेते हैं और उसके बाद में फिर इसको खोलने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। वीडियो में बने रहें, पूरी टेस्टिंग देखें, इसमें आपका भी बेनिफिट है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। दोस्तों ये पानी आ गया हमारे पास, गर्म पानी है, तो देखते हैं अभी इसको डाल के, ये बंद किया हुआ है, एक मिनट खोलते हैं इसको। ये ऐसे पानी डालने से क्या होता है कि नट बोल्ट बड़े आराम से खुल जाता है और खोटी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये पॉजिटिव होता है ना प्लस का, इसमें अक्सर आता है, देखो कितनी आराम से एक ही यहाँ से बड़ी ताकत भी नहीं लगानी पड़ी और खुल गया। देखिए कितनी आराम से ये खुल गया है, गर्म पानी से ये फ़ायदा होता है। अभी अगर ऐसे ही ठोका ठाक करते इसमें तो सारा ये टूट जाता, नट बोल्ट इनका बच गया, चल जाएगा। थोड़ा इसमें पानी डालते हैं और
इसको यहाँ रखते हैं। ये लापरवाही की वजह से काम होता है सारे काम का। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई तो गारंटी में है बैटरी, खराब होगी हो जान दो, लेकिन उससे क्या होता है लाइफ खराब होती है, बैटरी की लाइफ पूरी खराब हो जाती है, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पूरी तरह से क्लीन हो गया। अगर बैटरी की सर्विस ठीक आपसे करवाते रहोगे ना ठीक से, तो इसकी लाइफ बनी रहेगी बैटरी की और ख़राब नहीं होगा। अभी हम करते हैं इसकी वायर, वायर भी आप देख सकते हो कितनी ख़राब हो चुकी है, तो उसको काटनी पड़ेगी वायर को और अलग से डालनी पड़ेगी, छील के साफ करके अच्छे से। ये सही नहीं लगी, कार्बन ज्यादा आ जाता है। नए वायर कनेक्शन कर दिया, ठीक है, इसको लगाते हैं। इसका मतलब बैटरी अभी ठीक है, ये बैटरी में पानी नहीं था उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अगर बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज होती तो ये पिसल की आवाज़ नहीं देता, एक्टिव नहीं होता। अभी हम इसमें लगाते हैं ग्रीस, ग्रीस से क्या होगा दोबारा कार्बन नहीं आएगा, इस ग्रीस से ये बेनिफिट होगा। ग्रीस तो और भी कंपनी के अलग अलग आते हैं, लेकिन ये वाला ग्रीस इस काम के लिए बहुत बढ़िया है, बिल्कुल काला ग्रीस है एकदम, आप देख सकते हो एक बड़ा ग्रीस है। पूरा कवर हो जाएगा इससे और दोबारा इसमें ग्रीस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में ठीक हो जाता है। प्लस में तो आता है कार्बन, अगर ग्रीस लग जाएगी तो नहीं आएगा कार्बन। तो हम इस ग्रीस को रख देते हैं। तो दोस्तों आपने मेरी सर्विस देखी है, कार्बन भी साफ हो गया, नट बोल्ट साफ करके वायर छील के दोबारा लगा दी, ग्रीस भी लगा दी। अब हम इसको करते हैं कनेक्शन इसके, ये इसका मेन है, ठीक है, ये लगाते हैं इसमें बोर्ड के अंदर। ये बोर्ड में हमने कि लाइट लगा दी है, ठीक है। अब हम इसको वापस पैक कर देते हैं जैसे था। अब हमने इसमें कोई काम फालतू ऐसा नहीं करा, सिर्फ पानी डाला, कार्बन साफ करा और लाइन कनेक्शन कर दी। अब हम गेट बंद करके दिखाते हैं वर्किंग में है या नहीं है। ये देखिए अब इसकी चार्जिंग शुरू हो गई, स्विच ऑन ऑन ऑफ स्विच से ही काम कर रहा है, ऑफ ऑन यानी वर्किंग बिल्कुल ठीक है,
तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब हमारे चैनल उनको धन्यवाद, थैंक्स। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।